कि तुमने एक बार भी कहा राधा जीवन में, तुम्हारा पाप का जो हिसाब किताब है वो दत्त है। हम ये नहीं कहते सब नष्ट हो गया है, पर जब हिसाब होगा तो एक राधा नाम एक पलड़े में पूरा पाप। तो दिमाग कहा नहीं करेगा हिसाब करने वालों का कि एक राधा नाम का फल क्या होता है, फिर उस फल की तरफ दृष्टि जाएगी तो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम फिर बहुत राधा नाम क्यों ले जब एक से ही काम बन सकता है, क्योंकि आगे हमसे पाप न बने, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। हमें केवल पाप ही नष्ट नहीं करना, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। अब हमको इस संसार में ना आना पड़े, हम अपने मालिक के पास रहें, कितना चलेगा। सब कोई चाहता है ना, कोई प्यार करने वाला हो, कोई बढ़िया घर हो और कोई दुख ना हो, सब यही तो चाह रहे ना। तो श्री जी का बढ़िया महल है और प्यार करने वाले प्रिया प्रीतम है और सब लोगों के मालिक है, तो माला माल है वहां, और मरना है नहीं, चाहे जितना मीठा खाओ शुगर नहीं होगी चाहे जितना पकवान प्रसाद पाओ लीवर नहीं खराब होगा, मरना है कितना बढ़िया आनंद है। तो निकुंज चले ना सब मिलके, राधा 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 राधा, गंदे आचरण बंद करे, गंदा भोजन बंद करे, गंदे लोगों का संग बंद करे और नाम जब करे तो प्रिया जी बड़ी कृपालु। अपने महल में देखो ये वृंदावन है, चिदानंद है, पर अब हमारी दृष्टि ठीक नहीं तो हमको दिल्ली और वृंदावन ऐसे नजर आ रहा है सब। हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो यही दिव्य वृंदावन है, प्रिया प्रीतम इसी में विहार करते, इसी में विहरण करते हैं। तो आगे गलती ना हो इसलिए सावधानी पूर्वक हर समय नाम जप करते रहो।